صدیوں کی پائے مال زمین رنگ لائی ہے افسردہ زندگی نے نئی جان پائی ہے سجائی ہے کلیر میں یہ بہار مدینے سے آئی ہے لیکن مومنو آؤ محبت کا قرینہ دیکھو مومنو آؤ محبت کا قرینہ دیکھو وہ رہا دیکھو وہ فردوس کا زینہ دیکھو اور خود ہی ہو جائے گا اندازہ عقیدت والو صابر پاک کے روضے سے مدینہ دیکھو اس لیے کہنا ہے شوق سنو حضرت صابر کی داستان اے شوق سنو حضرت صابر کی داستان اے شوق سنو حضرت صابر کی داستان اے درد بھرا صبر قناعت کا یہ بیان اے درد بھرا صبر قناعت کا یہ بیان اے درد بھرا صبر قناعت کا یہ بیان اے شوق سنا حضرت صابر کی داستان اے شوق سنا حضرت صابر کی درد بھرا صبر قناعت کا یہ بیان اے درد بھرا صبر قناعت کا یہ بیان اے درد بھرا صبر قناعت کا یہ بیان صابر پاک مخدوم کلیری کا آپ کی ماں جب بیوہ ہو گئیں اور آپ چھوٹے سے تھے اس وقت سے اور وفات تک کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سماعت کیجیے گا بیوہ ہوئیں جو حضرت صابر کی والدہ اس وقت غریبی تھی مگر تھی وہ صابرا صابر کو بڑے پیار سے وہ پالتی رہیں کم سن پہ نظر پیار کی وہ ڈالتی رہیں ایک روز یکایک انہیں احساس یہ ہوا کمزور ہوا جاتا ہے اب لال یہ میرا پرواہ نہیں اپنی مگر فکر لگی ہے بچپن میں میرے لال کی یہ فاقہ کشی ہے بہتر ہے اسے بھائی کے گھر جا کے چھوڑ دوں مجبور ہوں میں اس کے سوا اور کیا کروں بھائی کے یہاں خوب اسے چین ملے گا پڑھ لکھ کے وہاں غنچہ امید کھلے گا ایک روز بڑے پیار سے بچے کو ساتھ لے گھر پہ وہ گئیں با خوشی بھائی فرید کے اس وقت عجب دور تھا بابا فرید کا دنیا میں ان کی شان ولایت کا شور تھا ایک فیض کا دریا تھا رواں
सदका तो लुटा करते थे लंगर से आपके, सदका तो लुटा करते थे लंगर से आपके, सदका तो लुटा करते थे लंगर से आपके। घर से आपके सदकात लुटा करते थे लंगर से आपके, सागरपात के मामू हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहां आपकी वालदा आपको लेकर गईं, और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। साबिर को किया सामने भाई फरीद के, और अर्ज किया इसको गुलामी में लीजिए, बोली के मेरे भाई मैं इस दम गरीब हूँ, साबिर की भला किस तरह मैं परवरिश करूँ, जी भर के यहाँ लाल मेरा खाना खाएगा और आपसे अच्छी तरह तालीम पाएगा, ये सुन के बड़ा रंजो अलम आपको हुआ, चश्माने मुबारक हुई नम प्यार से कहा, ऐ बहनू मेरी तेरे लिए इख्तियार है, ये मेरा नहीं तेरा ही सब कारोबार है, अल्लाह निगेबान है दुनिया में सभी का, सब उसकी अमानत है नहीं कुछ भी किसी का, एहसास गरीबी का ना कुछ दिल में लाइए, साबिर को यहाँ शौक से अब छोड़ जाइए, साबिर से कहा जाओ तुम लंगर को लुटाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ। आपके मामू कहते हैं कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी लंगर खाने पर है, जो भी यहाँ है उसको खाना खिलाओ। उसके बाद क्या होता है सुने। लंगर पे गए हजरत साबिर खुशी खुशी, दिन रात दिया करते थे लंगर पे हाजरी, लंगर पे गरीबों के लिए खाना खिलाते, खुद पानी पिया करते मगर खाना न खाते, जब 12 बरस हो गए तो क्या हुआ सुनो, माँ को ये ख्याल आया कि अब देखूं लाल को, खा पी के जवान हो गया होगा मेरा पिसर, एक रोज बड़े शौक से जारी किया सफर, पहुंची पिसर के दीद का अरुमा लिए हुए, हैरत में मगर रह गई साबिर को देख के, कांटे की तरह सूख के सारा बदन हुआ, ये हाल बुरा देख के रंजो मोहन हुआ, पूछा के मेरे लाल ये क्या हाल है तेरा, क्या बात हुई किस लिए कमजोर हो गया। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए, साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए, साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए,
खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से। आपकी वालिदा 12 साल के बाद अपने भाई के यहाँ गई ये सोचकर कि अब तो मेरा साबिर बहुत बड़ा हो गया होगा, जवान हो गया होगा और खा पी कर तंदुरुस्त भी हो गया होगा, लेकिन वहाँ जाकर जब आप देखती हैं तो आपको कमजोर पाया, पूछती हैं बेटे ये हाल क्या है। साबिर पाक कहते हैं अम्मी यहाँ हमने 12 साल से खाना नहीं खाया है। तो आप अपने भाई से जाकर क्या कहती हैं समाप्त कीजिएगा। जाकर ये कहा भाई से खाता है एक जहां, साबिर को मेरे किस लिए खाना नहीं यहाँ, पापों से मेरे लाल की हालत ये हो गई, पहचानी नहीं जाती है सूरत गरीब की, ये जानती तो घर पे ही रखती मैं लाल को, हरगिज न कभी पहुंचता वो इस सवाल को। जब गंजे शकर भाई ने अहवाल ये सुने, हैरत से कहा बहन हुआ ऐसा किस लिए, खाते हैं सभी खाना तो लंगर पे हर घड़ी, लंगर पे नहीं रहती किसी चीज की कमी, फिर बात क्या के फाके से 12 बरस रहे, फिर बात क्या के फाके से 12 बरस हुए, हम हाल अभी पूछते हैं उनको बुला के, साबिर को बुला कर कहा बाबा फरीद ने, लंगर पे भला किस लिए फाते से तुम रहे, बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना, बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना, बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना, बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना। और ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना, ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना, ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना। साबिर पाक के मामू जब ये पूछते हैं कि तुमने यहाँ रहकर 12 साल खाना क्यों नहीं खाया, तो आप फरमाते हैं कि आपने हमसे कब कहा था खाने के लिए, आपने यही तो कहा था कि आप लुटाइए दूसरों को खिलाइए, हमसे कब कहा था आपने। आपकी ये बात सुनकर मामू क्या कहते हैं समाप्त कीजिएगा। हमको ना इजाजत मिली खाने के वास्ते, हम पापा रहे करते यूं ही 12 साल से, बाबा ने कहा वाकई साबिर हो मेरे लाल, बचपन में किया तुमने बड़ा सब्र का कमाल, फिर एक नजर खास जो साबिर पे डाल दी, दम भर में सभी आपकी हसरत निकाल दी, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, 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 एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया। साबिर को वली कर दिया रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया रब से मिला दिया।
वली कर दिया रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया रब से मिला दिया। जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर पाक के मामू आपकी ये बात सुनकर खुश होकर वहीं से आपको साबिर का खिताब देते हैं, यानी कहते हैं कि तूने 12 साल तक इस बचपन में फाके करके सब्र का कमाल कर दिया, तू साबिर है यानी सब्र करने वाला है। यहां से आपका नाम साबिर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है सुने। रहने को मकान एक उन्हें कर दिया अता, रहते थे उसी में वो फकत माँ का साथ था, खिलहत भी अता कर दिए और मालो जर दिया, मामू ने उन्हें हर तरह खुशहाल कर दिया, सरशार हुए इश्क खुदा और रसूल से, वाबस्तगी थी उनको नबी के उसूल से, एक रोज कहा माने अलखते जिगर सुनो, शादी में तुम्हारी करूं इकरार तुम करो, बोले के मेरे दिल में तो अब बस गया खुदा, अब दिल में नहीं और को गुंजाइशें जरा, माने ये कहा ये मेरी हसरत निकाल दो, मुद्दत की मेरी आरजू है पूरी तुम करो, तुम बात मेरी मान लो अल्लाह का वास्ता, शादी से मना करके अब तोड़ो ना दिल मेरा, बोले के मेरी शादी से क्या होगा फायदा, जो चाहो करो आप उसे कुछ कहना पाऊंगा। ये सुन के बड़ी शाद हुई उनकी वालदा, फौरन ही गई भाई के घर जाके ये कहा, फर्जंद जवां हो गया है मेरा भाई जान, दर छोड़ के मैं आपका जाऊंगी अब कहां, साबिर से करो अपनी शरीफा का तुम निकाह, एहसान पड़ा होगा मेरी मान लो सलाह, बोले के बड़ी भूल है हम शीर आपकी, ये रास नहीं आएगी तदबीर आपकी, मेरे लिए इनकार था इस बात से कहीं, साबिर का अजब हाल है तुम जानती नहीं, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली के मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, नादार मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादार मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादार मुझे जान के तुम डाल रहे हो। साबिर पाक की वालदा अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक दिन अपनी बेटी के शादी का पैगाम लेकर जाती हैं। कहती हैं कि मेरा बेटा अब जवान हो गया है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी शरीफा से उसका निकाह कर दें। तो आपके मामू फरमाते हैं कि साबिर की हालत ऐसी नहीं है जो उनकी शादी की जा सके, तुम नहीं जानती, बहन ये समझती हैं कि शायद ये गरीबी की वजह से मुझे टाल रहे हैं। और आगे क्या होता है सुनिएगा।
हजरत ने कहा अच्छा तो मंजूर है हमें, हो जाएगा इस बात का अंदाजा अब तुम्हें। साबिर से किया अक्द शरीफा का आपने, थी शाद बहुत वालदा साबिर को देख के। दुल्हन को बुला कर वो अपने घर में ले गई, उनकी खुशी का आज ठिकाना था कुछ नहीं। दुल्हन जो गई रात को खिदमत में आपकी, मशगूले इबादत थे वो कुछ भी खबर न थी। दुल्हन ने कहा खिदमत आली में है सलाम, फिर और पढ़ी आगे किया इस तरह कलाम। इस बात पे नाराज हो देखा नहीं मुझे, बोले के कहो कौन हो आई हो किस लिए। दुल्हन ने कहा आप मुझे जानते नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी मुझे पहचानते नहीं। रुख सामने तो कीजिए जलवा दिखाइए, लिल्लाह मुझे अपनी नजर से नवाजिए। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह। दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। जो नजर आपकी एक नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। आपकी बीवी आपके पास जाती हैं, कहती हैं कि हुजूर मेरी तरफ भी तो एक नजर देखिए। आप कहते हैं कि कौन हो, कहा आपकी बीवी। उसके बाद आपने रुख सामने किया और जो एक नजर उठाकर देखा तो वहीं वो जलकर राख हो जाती हैं आपकी दुल्हन। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। बाबा ने कहा था जो वही बात हो गई, दुल्हन वो जली और हमेशा को खो गई। वो और पिसर बाबा के यूं ही गुजर गए, साबिर को जला ला गया फौरन वो मर गए। साबिर को बुला बाबा ने सीने से लगाया, इल्म और अता करके खलीफा बना लिया। साबिर को दिया नामा खिलाफत की सनद दी, दरबार से कलियर की इजाजत भी मिल गई। परवाना उन्हें मिल गया कलियर शरीफ का, फरमाया करो दीन की तबलीग जा बजा। साबिर ने अदा शौक से शुक्रे खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। इस तरीके से जब साबिर पाक को इजाजत मिल गई कलियर आने की, तो आप पाक पटन से कलियर आते हैं और क्या करते हैं, किसके यहाँ ठहरते हैं, समाप्त कीजिएगा। साबिर ने अदा शौक से शुक्रे खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। गुलजारी मुरीदा के किया घर पे फिर कयाम, फिर उसके पिसर उसको दिया मारुफत का जाम। फैजाने विलायत से हुए लोग शाद काम, वो हजरत साबिर के हुए पाखुशी गुलाम। बादल जो बहार रहमत रब्बी के छा गए, बादल जो बहार रहमत रब्बी के छा गए, बादल
सब नेक बशर आपके हलके में आ गए, सब नेक बशर आपके हलके में आ गए, सब नेक बशर आपके हलके में आ गए। सब नेक बशर आपके हलके में आ गए, उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। वाली था सभी शहर का जमवान एक बशर, यूं तो वो बड़ा नेक बा अखलाक था, मगर उस पर था असर उस घड़ी काजी शहर का। काजी था बुरा शख्स वो कलियर का पीर था, जब हजरत साबिर का असर देखा शहर पर, काजी को हसद हो गया जलने लगा जिगर। नामा जो दिया आपने बाबा फरीद का, काजी ने उसे फाड़ दिया और गलत कहा। साबिर ने तभी जोश में ये काम कर दिया, देखा जो जिमी को तो वहीं आया जलजला। काजी ने कहा लोगों से जादू है ये सभी, बातों में नहीं आना कोई ऐसे शख्स की। मस्जिद में सभी लोग थे एक रोज खास आम, जमवान हुआ आपसे इस तरह हम कलाम। एक बकरी हमारी हुई गुम उसका पता दो, हम तुमको वली समझेंगे ये बात बता दो। साबिर ने उन्हीं लोगों में से कुछ को बुलाया, साबिर ने उन्हीं लोगों को बस चोर बताया। बोले वो सभी लोग ये इल्जाम गलत है, चोरी ना लगाओ हमें ये काम गलत है। हजरत ने ये जमवान से फरमाया अब सुनो, तुम नाम अभी लेके उस बकरी का पुकारो। जमवान उठा और उस बकरी को पुकारा, चोरों के शिकम से ये सदा आई के आका। ये राज सही हजरत साबिर ने बताया, बेशक इन्हीं चोरों ने मुझे काट के खाया। ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए, शर्मिंदा तभी काजी और सम्मान 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 हो गए। ये सुन के सभी चोर परेशान हो गए, शर्मिंदा तभी काजी और जमवान हो गए। जब ये करामत देखी साबिर पाक की काजी ने, तो उसने इस करामत को क्या बताया समाज फरमाइएगा। काजी ने करामत को जादू बता दिया, जो साहिबे खुलूस था वो मोतकिद हुआ। फिर उसके सिवा क्या हुआ ये वाकया सुनो, एक रोज थे मस्जिद में सभी लोग दोस्तों। साहब
साबिर भी वहाँ आए जुमे की नमाज को। काजी ने उन्हें देखा तो कहने लगा उठो, मस्जिद में नहीं काम कोई जादूगरों का। साबिर ने मुरीदों से कहा छोड़ो ये जगह, हजरत ने मुरीदों को लिया साथ चल दिए। बाहर की सीढ़ियों पे आके आप रुक गए, जिस दम झुके रुकू में वो मस्जिद के नमाजी। मस्जिद से कहा आपने झुक शौक से तू भी, फरमान ये मस्जिद ने सुना और गिर पड़ी। मखलूक सभी दब गई मस्जिद भी गिर गई, ये हाल सुना शहर के लोगों में गुल पड़ा। सब छोटे बड़े कहते थे ये हाय क्या हुआ। गुलजारी मुरीदा भी वहीं आई दौड़ती, बोली के मेरे लाल की भी जान क्या गई। साबिर ने कहा बच्चे को अपने निकाल ले, जिंदा है तेरा लाल तू खुद जाके देख ले। लड़के को निकाला तो वो जिंदा उसे मिला, आई ना कहीं चोट ताज्जुब बड़ा हुआ। साबिर ने कहा दूर कहीं बारा कोस जा, साबिर ने कहा दूर कहीं बारा कोस जा, साबिर ने कहा दूर कहीं बारा कोस जा, साबिर ने कहा दूर कहीं बारा कोस जा। आएगी बला शहर ये हो जाएगा अपना, आएगी बला शहर ये हो जाएगा अपना, आएगी बला शहर ये हो जाएगा अपना। साबिर पाक मखदूम कलियरी, एक दिन जुमे की नमाज में कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। वहां काजी शहर आता है, कहता है कि आप हटिए यहां से, जादूगर का मस्जिद में काम क्या है। आप अपने मुरीदों के साथ, अपने अकीदतमंदों के साथ पीछे आ जाते हैं और आप मस्जिद से खिताब करते हैं। जब वो सब लोग रुकू में थे तो आप मस्जिद से कहते हैं कि तू क्या देख रही है, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था, वली की जुबान से निकली हुई ये बात, मस्जिद उस हुक्म की फौरन तामीर करती है और झुकती है, गिर जाती है। जितने भी बदअकीदा थे उसमें दब कर मर जाते हैं। लेकिन एक गुलजारी मुरीदा जो आपकी बहुत मोतकिद थी, आई दौड़ती हुई, कहने लगी कि हुजूर नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था, क्या वो भी मर गया। कहा नहीं, जाके देख, तेरा बेटा जिंदा है, जा उसको निकाल ले। उसके बाद कहा कि अब इस शहर पर बला आएगी, इस अपने बेटे को लेकर तू 12 कोस दूर कहीं चली जा। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। गुलजारी पिसर को लिए बाहर चली गई, साबिर को जला ला गया, आंखें थी आग सी। डाली जो नजर आपने अपने जलाल की, तो लगने लगी चारुसू आतिश जवाल की। हर चीज बनी शोला तो ये हाल हो गया, के पारा पारा कोस तक कुछ भी नहीं रहा। कूलर की हरी शाख वो पकड़े खड़े रहे, जिसम तो नजर डाल दी शोले बड़ टूटे। हर चीज हुई जल के फना एक आन में, मशहूर है ये उनकी करामत जहान में। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति आपके पास आते हैं। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उन्हें भेजते हैं कि जाओ साबिर के पास जाओ, 12 साल हो गई उन्हें गूलर की शाख पकड़े हुए खड़े हुए, कौन है जो मेरे साबिर को बिठाए जाकर। तो आप आते हैं और आकर क्या करते हैं समाप्त कीजिएगा। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, बोल
भेजा फरीद का, जो मुझको इजाजत हो कदम बोसी की जना, खिदमत में हुजूर आपकी हो जाऊं बारियाब। हजरत ने बुलाया उन्हें और हुक्म ये दिया, तुम सामने न आना मेरे पीछे ही रहना। वो आए अदब से किया पहले उन्हें सलाम, फिर अर्ज किया आका बना लो हमें गुलाम। साबिर भी वहीं बैठ गए और करम किया, उनको मुरीद करके खिलाफत भी की अता। बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल। सब आग बुझी शहर की कम हो गया जलाल, सब आग बुझी शहर की कम हो गया जलाल, सब आग बुझी शहर की कम हो गया जलाल। आप शमसुद्दीन तुर्कपानी पति को मुरीद करते हैं तो उसी दिन से वो आग थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है, आग बुझ जाती है। उसके बाद कुछ रोज के बाद क्या होता है समा फरमाएं। कुछ रोज उन्हें पास रखा और पढ़ाया, यानी के उन्हें इल्म तरीकत सिखा दिया। फिर आपने फरमाया कि खिलजी है एक शाह, आ मेरे किले पर है लगी उसकी सब सिपाह। हासिल ना अभी तक वो किला उसको हो सका, हासिल वो तभी होगा कि मांगोगे तुम दुआ। तुम जाओ वहीं फौज में खिलजी की अब रहो, एक बात बताता हूँ उसे गौर से सुनो। जब होगा करामात का तुमसे कोई जहूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। आप फरमाते हैं कि आमेर के किले पर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिन से अपनी फौज को लिए हुए पड़ा है, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा है। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे उसकी फौज में और दुआ नहीं करोगे, वो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी वो किला फतह नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमसे करामत जाहिर हो जाएगी उस दिन ये समझ लेना कि मेरा विसाल हो गया। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। जब होगा करामात का तुमसे कोई जहूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। कलियर में चले आना बेरंगो मलाल तुम, रहलत का मेरी करना नहीं कुछ ख्याल तुम। कर देना मुझे दफन सभी एहतमाम कर, मैयत को मेरी हाथ लगाना ना तुम मगर। अज गैब होगा गुस्लो दफन का सभी निजाम, अल्लाह कार साज है तुम जाओ शाद काम। ये बात सुनी शम्स की आंसू हुए रवा, साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां, साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। और अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर।
कुछ गम ना करो, मौत तो आना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। आप अपने मुरीद से ये बात कहते हैं और शमसुद्दीन तुर्क पानीपति आपका हुक्म किस तरह बजाते हैं समाप्त कीजिएगा। ये सुन के शमसुद्दीन बजा लाए एहतराम, नमदीदा हुए पेश किया पीर को सलाम। कलियर से चले और किला आमेर पर गए, लश्कर में गए शाह के जाकर ठहर गए। करने लगे वो नौकरी लश्कर में शाह की, उस बादशाह खिलजी की काफी सिपाह थी। लश्कर वो बड़ी शान से लड़ता रहा मगर हासिल ना फता हो सका आमेर किला पर। एक रोज गया बादशाह एक वली के पास, की दस्त बस्त पेश यूं खिदमत में इल्तमास। हजरत ये दुआ कीजिए हमको फता मिले, मिल जाए किला हमको तो दिल की कली खिले। बोले वो तेरी फौज में खुद ऐसा है बली, कर दे वो दुआ रब से पता तुझको मिलेगी। की अर्ज़ू मेरे मेहरबा वो कौन है बशर, पहचान कहो क्या है लगे किस तरह खबर। बादशाह एक बली के पास जाता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए किला फतह होने की। वो फकीर कहते हैं कि तुम्हारी फौज में तो एक खुद वली मौजूद है, तुम उसके पास जाओ। बादशाह कहता है कि उसकी पहचान क्या है, तो फकीर क्या पहचान बताते हैं समाप्त कीजिए। बोले बुजुर्ग बारिश तूफान में कभी बुझ पाएगा चराग न कम होगी रोशनी। ये सुन के हुआ शादुमा वो शाह पावकार, करने वो लगा बारिश तूफान का इंतजार। एक रोज बड़ी जोर से तूफान आ गया, जिसने के सभी फौज के खेमे दिए उड़ा। बारिश भी हुई झूम के मौसम बदल गया, वो शाह तभी रात में बाहर निकल गया। देखा के कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर। देखा के कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का कुछ असर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपति का जो रहने की जगह थी वो डेरा था, वही महफूज रहता है, बाकी सब सिपाहियों के रावटी गिर जाती हैं। आप अपने डेरे में कुरान पढ़ रहे हैं और आपका चराग जल रहा है, इस आंधी तूफान में भी नहीं बुझता, उसके बाद क्या होता है सुने। फौरन वो गया बादशाह कदमों पे गिर गया, बोला के मुझे फतेह की दे दीजिए दुआ। बोले वो सुनो आपका नौकर हूँ मैं जनाब, नाचीज गुनाहगार हूँ मैं आदमी खराब। तुम जाके किसी औलिया अल्लाह से कहो, उसकी मदद से जीत लो आमेर किले को। लेकिन ना कदम छोड़े शहनशाह ने जरा, तब तुर्क शमसुद्दीन ने अल्लाह से की दुआ। बोले के सुबह किले पर यलगार कीजिए, अल्लाह फतह देगा तुम्हें बार कीजिए।
लश्कर जो चढ़ा सुबह को आमेर किले पर, तो एक ही हमले में किला हो गया वो सर। फिर जश्न किया शाह ने एक धूम धाम से, और गूंजी फजा एक दम अल्लाह के नाम से। जब पाई शमसुद्दीन ने इस फतह की खबर, याद आई उन्हें पीर की थर्रा गया जिगर। कलियर के लिए चल पड़े वो के अशकबार, साबिर की मोहब्बत उन्हें करती थी बेकरार। कलियर में पहुंच देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा के मैयत रखी हुई। साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की। कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई। जिस दिन वो आमिर का किला फतह हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि मेरे पीर ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाएगी, समझ लेना मेरा विसाल हो गया। आप वहीं से नौकरी से इस्तीफा देकर कलियर शरीफ की तरफ चल देते हैं। आकर जब आपने देखा तो साबिर पाक की मैयत रखी हुई है और खून की बरसात हो रही है। हजरत, आखिरी बंद इस दास्तान मखदूम साबिर कलियरी का हम पेश कर रहे हैं, समाप्त फरमाइएगा। अब दफन का वो वाकया जो फना और बका से भी मुतालिक है, सुनिएगा। मैयत के दफन का था सभी गैब से निजाम, पहले तो बहुत रोए लिया सब्र से फिर काम। साबिर के जनाजे पे सभी आए औलिया, अनजान बशर इतने के एक अजदहाम था। फिर तुर्क ने इकला के मुसल्ला बिछा दिया, सोचा के जनाजे की नमाज अब करें अदा। आई ये सदा ठहरो पढ़ाएंगे हम नमाज, बापर्दा चले आए के इसमें था कोई राज। जब हो गई नमाज तो वो चल दिए इमाम, घोड़े पे चले चढ़ के वो जिस वक्त ने गुनाम। तो दौड़े तुर्क थामुली उस घोड़े की लगाम, बोले के हमें मेहरुबा बतलाई ये तो नाम। ये सुन के रुखे पाक से पर्दा हटा दिया, साबिर ने उन्हें रुए मुनव्वर दिखा दिया। साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए, और हजरत साबिर मियां रूपोश हो गए। साबिर जो नजर आए तो हैरत हुई बड़ी, सब होश उड़े देख के बिजली सी तूर की। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो बका फना, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। आप कहते हैं कि देखो शमसुद्दीन, याद करो तुमने मुझसे एक दिन ये सवाल किया था कि फना क्या है और बका क्या है। लो आज देख लो, जो मेरी ये सामने मैयत रखी है मेरे सामने, ये फना है और ये बका है। अपनी तरफ इशारा करके कहा, यानी अल्लाह का वली कभी मरता नहीं, हमारी नजरों से रूपोश हो जाता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो बका फना, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। इतना ही कहा और वो रूपोश हो गए, साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर में वो होश में आए तो ये किया, कुदरत की मदद से वो जनाजा दफन किया, कुदरत की मदद से वो जनाजा दफन किया। ये शौक भला चाल के
साबिर की शान में। ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में। साबिर जी ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में। क्योंकि तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में। तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में। हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की शान में आखिर में एक सलाम मुलाहजा कीजिएगा। अस्सलाम ए हजरत मखदूम साबिर अस्सलाम, अस्सलाम ए हजरत मखदूम साबिर अस्सलाम, अस्सलाम ए वाली कलियल शहे आली मकाम। प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम, 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 उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम, उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम, उनकी शाने बारह बरस रह के लंगर पे खाया ना बारह बरस, रह के लंगर पे खाया ना बारह बरस, उनकी सब्रो कनात पे लाखों सलाम, उनकी सब्रो कनात पे लाखों मोहब्बत पे लाखों सलाम, रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम, रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम, बीवी को एक नजर से फना कर दिया, बीवी को एक नजर से फना कर दिया, बीवी को एक नजर से फना कर दिया, उस जलाले विलायत पे लाखों सलाम, उस जलाले विलायत पे लाखों सलाम, उस जलाले जलाले पे।
पे मस्जिद झुकी ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम। शाख कूलर को पकड़े रहे बारह साल शाख कूलर को पकड़े रहे बारह साल शाख कूलर को पकड़े रहे बारह साल आपकी आला हिम्मत पे लाखों सलाम आपकी आला बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम उस बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम उस बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम। अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज इस अनोखी करामत पे लाखों सलाम इस अनोखी करामत पे शौक ना चीज को अपना वासिफ किया शौक ना चीज को अपना वासिफ किया वासिफ किया उनकी नजरें इनायत पे लाखों